हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास सिक्स का जो सेकंड चैप्टर है हाउ डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर, उसका हम वर्कबुक सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो वर्कबुक सॉल्यूशन करें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यूनिट्स टेस्ट में ये सब आने वाला है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द डॉग्स फर्स्ट मास्टर, डॉग का फर्स्ट मास्टर कौन था। तो आपको आंसर में लिखना है द वुल्फ वॉज द डॉग्स फर्स्ट मास्टर, जो वुल्फ था वो डॉग का फर्स्ट मास्टर था। उसके बाद है हु डिड द डॉग डिसाइड टू टेक अप सर्विस, किसने डिसाइड किया कि डॉग की सर्विस लेने का। तो यहाँ पे लिखना है डॉग ने क्या डिसाइड किया किसकी सर्विस लेने का। तो हमें आंसर लिखना है द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद द बियर। उसके बाद व्हाट डिड द बियर एग्री रेडीली, बियर क्या एग्री हो गया तुरंत ही, मतलब कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो रेडी किस बात पे हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है द बियर एग्री टू बी मास्टर ऑफ डॉग, उसको डॉग का मास्टर बनने के लिए वो रेडी हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे, What did the bear want to find and why? Bear को क्या find करना था और क्यों। तो उसमें हमें लिखना है The bear wanted to find a herd of cows so that he could kill a cow and eat their fill. तो bear को क्या find करना था, एक cow का झुंड, गाय का झुंड find करना था, तो उससे क्या कर सकता है, तो वो आसानी से वो जो cow है उसको मार सकता था और वो अपने दोनों के पेट भर सकता था, किसके, dog के और खुद के, क्योंकि bear क्या था, master of dog। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस एट आवर फील, इसका हमें एक्सप्रेस करना है। तो उसका मीनिंग क्या होगा, एट आवर फील्ड्स मीन्स टू हैव फूड टिल द स्टमक एंड हार्ट इज सेटिस्फाइड, मतलब कि तब तक खाना खाना जब तक कि हमारा जो हार्ट है और हमारा जो पेट है वो फुल सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि हाँ मैंने कुछ खाया है, ऐसा फील होना चाहिए। उसके बाद देखो सिक्स नंबर पे, विच वर्ड इन पैसेज मीन्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ये पैराग्राफ के अंदर पैसेज विदाउट एनी ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रिटेलिंग। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी आपके यूनिट में आने वाला है, यूनिट टेस्ट में इसमें लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ लेसन टेक करेक्ट ट्रू और फॉल्स इच स्टेटमेंट, हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है, बट हमने अंडरलाइन किया कि जो सही आंसर होगा उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं द मैन वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन, क्या मैन अफ्रेड था लायन से, ऑब्वियसली नहीं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉल्स। उसके बाद देखते हैं द बियर वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन, तो बियर तो ऑब्वियसली किससे डरा हुआ था, लायन से, तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा। द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, तो जो वुल्फ था वो बियर से डरा हुआ था, तो उसमें भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। डॉग सेट आउट टू फाइंड अ सर्वेंट, तो डॉग निकला था नौकर ढूंढने या फिर नौकर बनने, तो ये नौकर ढूंढने नहीं निकला था, बनने निकला था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। डॉग्स वर नेवर देयर ऑन मास्टर, तो डॉग्स से वो अभी कभी अपने मास्टर नहीं बने, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, फॉल्स। द वुल्फ वॉज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग, तो वुल्फ क्या है, स्ट्रॉन्ग है डॉग से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू आएगा। एंड फाइनली द डॉग चूज द मैन एज इज मास्टर, तो फाइनली जो डॉग ने है वो अपना मास्टर लास्ट में कौन किसको चूज किया, मैन, ह्यूमन बींग्स को चूज किया। उसके बाद देखो यहाँ पे, हु सेज दिस वर्ड्स टू हुम इन द स्टोरी, ये जो वर्ड है वो कौन किसको बोल रहा था। तो सबसे पहला सेंटेंस है वेर आर यू गोइंग डॉग, तो ये किसने पूछा था, द वुल्फ से टू डॉग, ये वुल्फ ने पूछा था डॉग को कि कहाँ जा रहे हो। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वॉट हैज़ फ्राइटन यू सो, ये किसने पूछा था कि तुझे कौन सा, किस बात का डर लग रहा है। तो यहाँ पे किसने पूछा था, द डॉग सेज टू द वुल्फ। उसके बाद देखो, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने, मुझे स्मेल आई है कि एक इंसान इस तरफ आ रहा है, तो ये किसने बोला था, द लायन से टू द डॉग। उसके फोर्थ नंबर पे देखो, लेट्स गो एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउ, मतलब कि चलो हम ढूंढते हैं गाय का झुंड, तो ये किसने बोला था, द बियर सेज टू द डॉग। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर में, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो पूरे अर्थ में स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, ये किसने बोला था, द बियर से टू द डॉग। उसके सिक्स नंबर पे देखो, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे मास्टर ऐसा चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ये किसने बोला था, द डॉग सेज टू द लायन। तो इसी के साथ यहाँ पे दो पेज हैं,
सॉल्यूशंस के ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये पेज और ये पेज का सॉल्यूशन जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।